किया जाएगा? ऐसा है, सबसे पहले तो हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं जो आपने बॉम्ब सेफ के इस सुंदर कार्यक्रम को कवर किया है। असल में क्या है कि आप देखते होंगे रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आज देश के अंदर जो SST OBC वर्ग है, मतलब बहुजन समाज, उसके ऊपर नाना प्रकार के जो अत्याचार किए जा रहे हैं। आप चाहे वो मिर्चीपुर कांड हो, चाहे वो आपका ऊना कांड हो, चाहे वो गोहाना कांड हो, हर प्रकार से दबे कुचले शोषित वर्ग को और निचोड़ा जा रहा है। आज मैं ये समझता हूँ कि जो उपेक्षित वर्ग है उसके पास सम्मान की जिंदगी नहीं है। महंगाई इतनी है, भ्रष्टाचार इतना है, और उसमें उस पर तुर्रा ये कि रोजगार कम होते जा रहे हैं। और किन लोगों के कम हो रहे हैं? ये हम ही लोगों के, बहुजन समाज के रोजगार कम हो रहे हैं। तो इसको एक मूवमेंट बना लेके, इसको एक आंदोलन बना लेके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीराम बहलान साहब के साथ, और हमारे जो यहाँ उत्तर प्रदेश के भी अध्यक्ष बैठे हुए हैं KP चौधरी साहब और जगजीवन प्रसाद साहब, ये सारे, और हमारे जयराम वर्मा साहब राष्ट्रीय सलाहकार साहब बैठे हैं। आज ये एक सुंदर सेलेक्टेड लोगों की ये गोष्ठी चल रही है जिसमें हम किस प्रकार से कांशीराम जी के मूवमेंट को, बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाएं और किस प्रकार से हम तख्ता पलट के सत्ता हासिल करें। सब सभी नेताओं का मानना यही होता है कि हम बाबा साहब के 3 श्लोक बड़े पैमाने पे बोलते हैं। जी जी जी, कि शिक्षा लेनी है और उसमें संगठन बनाना है और संघर्ष करना है। लेकिन अभी तक मुझे 22-23 साल हो गए इस लाइन के अंदर, वो ये श्लोक तो बोलते हैं, शिक्षा कैसे लेनी है? गांव देहात के अंदर हम AC के अंदर बैठे हैं, अच्छे हॉल के अंदर बैठे हैं, किसी चीज की हम कमी महसूस नहीं कर रहे। तो उन गांव देहात के अंदर इस सत्तारूढ़ सरकार से ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बदहाल हो चुके हैं। आज उनको एक परिवर्तन की आवश्यकता है। आज उनको जैसे कोई व्यक्ति कंकर और पत्थर और कांटों के ऊपर चलता है तो उसे हरी घास की आवश्यकता होती है, वही अंतिम श्वास होती है कि जब वो हरी घास पे पैर डालता है तब उसे मालूम पड़ता है। आज ये परिवर्तन की आवश्यकता सारे वोटर्स के दिल में, जो बहुजन समाज जो आज भी 80% देश के अंदर 80-85% निवास करता है, आज वो सब महसूस कर रहा है कि भाई हमारे साथ जो है ठगी हो गई, हमें धोखे में रखा गया, हमें इतने सब्ज बाग दिखाए गए, हमें बताया गया कि सारी महंगाई दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा, सारा छुआछूत भेदभाव दूर होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आज सब लोग जो है परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, और ये जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है इसका तख्ता पलट के ही बहुजन समाज दम लेगा, इसमें कोई शक नहीं। कोहली साहब, अगर 2019 के अंदर चुनाव होता है तो उस चुनाव को आप किस पैटर्न से कराना चाहते हैं? कि आपको बैलेट पेपर से कराएंगे या मशीन से कराएंगे? ऐसा है जी, EVM जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमेशा से एक सस्पिशियस कैरेक्टर रहा है। उसके साथ जो VV दिया गया, वोटर्स वेरिफिकेशन जो एक पैड दिया गया है, वो भी बड़ा सस्पिशियस कैरेक्टर है। आज ये देखिए कि जहां अब पीछे आप 4 महीने पहले सभासद के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, जहां जहां EVM से हुए वहां का रिजल्ट जो है भाजपा के पक्ष में गया। जो रिमोट एरियाज के अंदर जो सभासद के चुनाव हुए हैं, जो पर्ची सिस्टम बैलेट सिस्टम से हुआ है, उसमें सभी में भाजपा हारी है। तो कहीं ना कहीं EVM आज भी सस्पिशियस कैरेक्टर है, एंड वी वांट टू गेट रीड ऑफ दिस EVM, हमें इससे छुटकारा चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने कहकर ये दिखा दिया कि अभी जो निष्पक्ष चुनाव हुआ है, अगर मशीनों के अंदर गड़बड़ होती तो हम उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर गड़बड़ कर लेते। अरे सर, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इन 2 सीटों को अगर भाजपा जीत जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, अगर 2 सीटों को भाजपा हार गई तो क्या फर्क पड़ा? अरे उनकी तो गवर्नमेंट बनी बनाई है। इस वक्त अगर 10 सीट भी हार के अगर उनको ये दिखाना पड़ता कि देखो जी हम तो 10 सीट थी, 10 के 10 हार गए, ये एक चुनावी एक स्टंट है। ये केवल बहुजन को शांत करने का, उनके दिलों में जो आग लग रही है EVM के प्रति, उस आग को बुझाने का एक ये झूठा षड्यंत्र है। और ये जानबूझ के ये जो है इन्होंने इन 2 मशीन के अंदर कोई सेटिंग नहीं करी, और इसीलिए ये जो है सपा और बसपा ने ये मिलकर 2 सीटें जीती हैं। लेकिन सपा बसपा को भी पुनः विचार करना चाहिए कि क्या बात है कि आज हम जीत गए, और क्या ये समीकरण 2019 में भी फटाइल होगा? क्या ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगा? क्या सत्ता परिवर्तन होगा? मैं आज आदरणीय अखिलेश जी से, मायावती जी से भी कहना चाहता हूँ, इस पर पुनः विचार करें। सर, व्यक्तिगत मैंने आपकी राय पूछी है कि आप बैलेट पेपर से कराना चाहेंगे या मशीन से? देखिए जी, हम तो बाबा साहब के पुजारी हैं। बाबा साहब ने बोला था कि राजा जो है अब माँ के पेट से नहीं, बैलेट पेपर मतलब मत पेटी का, हम तो मत पेटी का यानी कि बैलेट बॉक्स के हम जो है अनुयायी हैं।